जालंधर से शिमला जा रही पंजाब रोडवेज की बस सोलन में नगली के समीप सड़क पर ही पलट गई। दुर्घटना का कारण उतराई में आ रही बस की ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि बस में 15 से 20 सवारियां थी जिन्हें मामूली चोटें आई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह पुलिस दल के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। बस चालक राजेश कुमार ने बताया कि उतराई में अचानक बस की ब्रेक फेल हो गई, जिसे रोकने के प्रयास में बस सड़क पर पलट गई। इस हादसे में चालक को भी चोटें आई है। सड़क पर बस पलटने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी रही। कितनों आ रहे थे? जलंधर। अरे की होया की? ब्रेक फेल हो गई। कितने आन के हुई? कितनी सवारियां? कितनी सी? 12-13 सवारियां सी। बाकी बंदा ठीक है सारे? बस में 15 से 20 के करीब सवारियां थी जिन्हें मामूली चोटें लगी हैं। दो लोगों ने घबराकर चलती बस से छलांग लगा दी, जिन्हें सोलन अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। अगर सड़क पर बस ना पलटती तो नीचे गहरी खाई में जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन।